बातें बहुत हो चुकी है मेरे तुम्हारे विषय में, हर एक सच कल्पना से, हर एक सच कल्पना से आगे निकलने लगा है। चाचा जी, वो जेलर ने आपको क्या बोला ये बता दीजिए। जेलर बोले, जब हमको खबर मिली कि यहाँ आ रहे हैं कन्हैया, तो मन में था कि देशद्रोही है, इसको खूब पीटेंगे। लेकिन जब उनसे हमारी बातचीत हुई तो हम इतना प्रभावित हो गए, जो अब क्या कहें, पीटेंगे क्या इनको, जितना सुरक्षा की बात है हम सब दिए हुए हैं इनको। पता भी नहीं था जो आग ठंडी पड़ी थी, हमको पता भी नहीं था जो आग ठंडी पड़ी थी, उस आग पर आज पानी, उस आग पर आज पानी सहसा उबलने लगा है। धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। मोबिलाइजर का काम, इनोकुलेशन का काम, पोलियो इनोकुलेशन का काम, ये पूरे सेविकाओं का काम मीना जी करती जा रही है, जब एक तरफ से उनका बेटा सांसद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि ये परिवार में कितनी मेहनत हो रही है, कितनी उम्मीदें बनी रही है ये परिवार से। ना जी, बचपन से क्या कन्हैया ऐसे था क्या? थोड़ा उसका यही सब में रुचि था, जैसे कोई एक बार शत्रुघ्न बाबू जो खड़ा हुए थे मेरे क्षेत्र से कांग्रेस, तो उनका प्रचार में जब मेरे हस्बैंड जाते थे तो गाड़ी चलाते थे और पीछे से बैठ कर के नारा लगा कन्हैया, हम कहते थे तुम अभी पढ़ो लिखो, नारा बार लगाना, फिर भी बच्चा के आवाज़ के लिए इनको सब लोग कांग्रेस बैठा लिया करते थे। किसी भी एंगल से, जिस एंगल से देखेंगे अभी वर्तमान में, तो वो कन्हैया के पक्ष में ही है, कन्हैया से अलग कहीं कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा। वैसे कैंडिडेट तो बहुत लोग हैं, ही हैं, डेमोक्रेसी है, जन लोकतंत्र है, तो सभी अपना अपना लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ने की जहाँ तक सवाल है और आगे जो रनिंग पोजीशन में है वो है कन्हैया कुमार। कन्हैया अगर जीत के आ गए तो आप ये क्षेत्र के लिए उम्मीद क्या करते हैं कि बेगूसराय के लिए क्या क्या होगा? बेगूसराय अगर कन्हैया के आवाज़ को रखा जाएगा, कन्हैया तो आवाज़ गरीबों के लिए उठाएगा और उस आवाज़ को वहाँ सुना जाएगा, तो बेगूसराय के गरीबों के लिए, जो महिलाओं के लिए जो आवाज़ उठा रहा है वो सब करना होगा। अपना मैं भी कहूँगी, अभी जो हवा है बेगूसराय का, इसलिए कि कई साल से हमारे यहाँ का कोई सांसद भोला बाबू को छोड़ के कोई हमारे यहाँ का सांसद नहीं हुआ, और जो बाहर के लोग आए सांसद बन गए फिर लौट के इस क्षेत्र में नहीं आए, और अभी जब कन्हैया का घर बेगूसराय है तो लोगों में बहुत उत्साह है कि हमारे इलाके का है, हम इसको वोट देंगे और जीता के भेजेंगे। जो मेरे ही कन्हैया नहीं है, पूरे देश का कन्हैया है, सब मिलकर उसको आगे बढ़ाइए और हर घर में कन्हैया पैदा हो। ये घोषणा हो चुकी है मेला लगेगा यहाँ पर, हर आदमी घर पहुँच कर, हर आदमी घर पहुँच कर कपड़े बदलने लगा है। धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है।